हेलो नमस्ते मेरो सम्पूर्ण साथीभाइलाई र मलाई चिन्नु हुने सबैजनालाई आज फेरि पनि तपाईँहरू सामु नयाँ भिडियो लिएर आएको छु जुन चाहिँ गान्तोकदेखि बागडोग्रा रहेको छ र आज मेन रोड बन्द भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ कालिम्पोङ लाभा र गोरुबथान भएर जानु पर्दैछ र आउनु चाहिँ आज म सबै त्यो बाटोहरू सबै तपाईँहरूले देखाउँदै लानेछु र मेरो पनि फर्स्ट टाइम हो र तपाईँहरूलाई पनि लगेर जाँदैछु है। अभी 4 बज रहा है, अभी मैं होटल से निकल रहा हूँ क्योंकि मेरा 2 बजे का फ्लाइट है। थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा बोल के हम लोग जल्दी निकल रहे हैं क्योंकि मेन रोड बंद है तो कालिम्पोंग लाभा गोरुबथान हो के इतना लंबा रोड जाना पड़ेगा, कम से कम 200 किलोमीटर से ऊपर पड़ेगा। और आज मैं आप लोग को फिर सभी दिखाते लेके जाऊँगा, और पहला भी दिखा चुका हूँ लेकिन आज मैं आप लोग को पूरा दूसरा वाला रूट दिखाऊँगा। ये रामपुर ब्रिज है, अभी हम लोग रिम्पू ब्रिज क्रॉस कर लिया है। अब यहीं से टर्न करके ऊपर, ये सीधा जाने से टिस्टा होके मेन रोड जाता था लेकिन उस उधर से बंद है तो लिखा भी है, तो यहीं से सीधा ऊपर कालिम्पोंग होके लाभा और गोरुबथान होके सीधा और बागडोग्रा एयरपोर्ट। रोड वगैरह तो ठीक ही है, अभी तक जितना चल रहा है ठीक ही है, थोड़ा थोड़ा सा बीच बीच में ख़राब है, उतना तो चल जाएगा क्योंकि इतना घूम के जाना पड़ता है। अभी मैं जस्ट मनसंग पहुँचा हूँ, ये क्वीन फैक्ट्री मनसंग का, और यहाँ से व्यूज़ वगैरह भी बहुत अच्छा दिखता है और रास्ता वगैरह भी अच्छा है, लेकिन आप लोग को थोड़ा जल्दी जल्दी दिखाऊंगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा बोल के थोड़ा जल्दी जल्दी स्पीड करके दिखा रहा हूँ। और इधर भी फॉरेस्ट वगैरह रोड का व्यूज़ वगैरह बहुत अच्छा दिख रहा है। ये ऊपर कालिम्पोंग का ऊपर पर चल रहा हूँ, बाईपास होके जा रहा हूँ, यहाँ से कालिम्पोंग अंदर चला जाते लेफ्ट करके सीधा मैं अलगढ़ा साइड होके फिर लाभा होके बागडोग्रा, और ये अलगढ़ा है यहाँ से अभी लेफ्ट करके लाभा। मैं भी फर्स्ट टाइम चल रहा हूँ और आप लोग को भी लेके जा रहा हूँ, तो आप लोग को भी कभी आएंगे तो आइडिया हो जाएगा बोल के, लेकिन टाइम बहुत लगता है। कम से कम भी कल तो दोस्त लोग बोल रहा था कि 8 घंटा 8.5 घंटा लगा बोल रहा था, लेकिन आज हम लोग को कितना लगेगा देखते हैं। तो 4 बजे निकला हूँ, 9 बजे पहुँचेंगे, और ये बीच बीच में इतना अच्छा अच्छा मौसम मिल रहा है, दिख रहा है बादल बादल, लेकिन अभी बारिश का टाइम है तो इसीलिए ऐसा है, लेकिन ये जंगल का साइड में ऐसा रहता ही है। लेकिन अच्छा जगह है, जो इधर में लोले गांव हो गया, लाभा हो गया, इधर में भी बहुत टूरिस्ट आते, और अभी रास्ता भी बहुत अच्छा बनाया, इधर में आई लव लाभा लिखा हुआ है, अच्छा है। ये है लाभा का टाउन, इधर आएंगे तो स्टे करने के लिए होटल वोटल सभी मिल जाएगा, इतना सारा होटल है और घूमने का जगह भी बहुत सारा है, यहाँ से कफेर लोले गांव बहुत सारा इधर में जगह है घूमने के लिए, और भीड़भाड़ भी कम रहता है, और एक बार आप लोग जरूर आइए, जरूर एक बार घूम के जाइए क्योंकि अच्छा जगह है, ठंडी का ही जगह है, शांत जगह है, लेकिन रास्ता वगैरह भी बहुत अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया, नेशनल हाईवे का वजह से इतना अच्छा हो गया रोड, इतना अच्छा, पहला इतना अच्छा नहीं था, अभी इतना अच्छा हो गया, और इसका ब्यूटी भी फॉरेस्ट वगैरह है बहुत अच्छा है। आज तो मैं बहुत दिन का बाद में आ रहा हूँ तो मज़ा आ रहा है। मैं पहला जब दार्जिलिंग से आया था उस टाइम में तो रास्ता इतना ख़राब था, छोटा था तो बहुत डेंजर था। इधर में ये देख लीजिए, इधर में टी गार्डन वगैरह भी है, अभी ये अम्बियोक टी गार्डन में क्या बोलता है अच्छा है, टी गार्डन वगैरह भी इतना अच्छा है, रोड वगैरह भी बहुत अच्छा है, लेकिन टाइम बहुत लग गया, इतना लंबा रोड, बाप रे बाप। ये आई लव अम्बियोक लिखा हुआ है। गैंगटॉक से निकला हुआ मैं 4 बजे निकला था, तो इधर पहुँचते 9:30 हो गया है, तो 5.5 घंटा तो हो गया है, अभी देखते कितना लगेगा, और भी बहुत लंबा जाना है। यहाँ से अभी गोरुबथान निकलना है, उसके बाद फिर उतलाबाड़ी डामडी मोतलाबाड़ी करके फिर निकलना है। ये अभी मैं सोमवारिया गोरुबथान पहुँच गया हूँ, इधर ही हमने सामने, अभी यहाँ से और आगे जाना है। टी गार्डन वगैरह तो बहुत है और बहुत अच्छा भी है, लेकिन कौन सा टी गार्डन है मालूम नहीं है, फॉरेस्ट वगैरह भी बहुत अच्छा है। ये अभी यहाँ से राइट टर्न करके सिलीगुड़ी का साइड में, अभी ये डामडीम है, यहाँ से कंफ्यूज होने वाला रास्ता नहीं है, यहाँ से सीधा मेन रोड एक ही है हाईवे, उसको ही पकड़ के सीधा निकलना पड़ेगा। अभी ये यहाँ भी है छोटा वाला, ये साइड कौन सा ओतलाबाड़ी होगा साइड, मे बी इस रास्ता में तो बहुत बार हम लोग चलते रहते हैं, भूटान वगैरह जाते रहते हैं, लेकिन आज नींद का वजह से होगा ना क्या है, लेकिन उतना आज उतना पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, नींद भी इतना आ रहा है, तो क्या बोले, सर लोग मैडम लोग को पहुँचना ही पड़ेगा। मैंने 7 दिन घुमाया था, इतना अच्छा फैमिली है,
ये है बैक पुल जो कॉर्डिनेशन ब्रिज भी बोलता है, ये है बहुत अच्छा है, देख लीजिए इतना अच्छा है। मैं आप लोग को उधर उधर साइड से, हम लोग जब गैंगटॉक जाता था उधर उधर साइड से दिखाता था, लेकिन ऐसा है, ये देख लीजिए इतना लंबा भी है अच्छा भी है, बहुत अच्छा है कॉर्डिनेशन ब्रिज। ये ब्रिटिश टाइम का है इसीलिए इतना साल चल रहा है, अभी इसको टाइम भी हो गया बोलता है लेकिन अभी तक भी चल रहा है। इसका अल्टरनेटिव जैसा दूसरा ब्रिज वगैरह भी नहीं बना रहा है, शायद जल्दी से जल्दी बनाएगा होगा, हाईवे का वगैरह नेशनल हाईवे में पड़ता है तो जल्दी काम स्टार्ट करेगा जैसा लग रहा है। और अच्छा है, बहुत अच्छा है ब्रिज वगैरह। ये सेवक का जंगल, अभी हम लोग सिलगुड़ी पहुँचने वाले है। और ये है सालूगढ़ा 2 मील चेक पोस्ट, बहुत लंबा आज तो बहुत आजू बाजू है वेस्ट बंगाल का ये जगह, और कितना डिफरेंस है लोगों के बिहेवियर। और फिर मेरा साथ में इतना 7 दिन से घूम रहा है तो जैसे भी करके टाइम में पहुंचाना ही पड़ेगा। अच्छा फैमिली है, बहुत अच्छा फैमिली है आज का मेरा गेस्ट सर मैडम मैडम लोग, और इतना अच्छा फैमिली था, बहुत अच्छा 7 दिन इतना अच्छा जल्दी बीत गया जैसा लग रहा है। और जो अच्छे अच्छे आते रहता है हम लोग याद करते रहते हैं, मेरा कोलकाता साइड से बहुत सारा है और उन लोग हम लोग हमेशा याद करते रहते, आप लोगों को भी हम लोग याद करते रहेंगे। कोई आके झगड़ा करते हम लोग के साथ में, क्या ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, हम लोग झूठ बोलते हैं बोलता है, लेकिन सर लोग ऐसा नहीं था। जो मेरा एकदम नज़दीक नज़दीक आने वाला सर है बहुत अच्छा है, सर और मैडम का फोटो इतने का मैंने इतने ही डाल दिया। और आप लोग बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फैमिली है और मैं हमेशा आप लोग को याद रहूँगा। और मेरा सभी भी बहुत सारा है और मैं सभी को, मेरा साथ में जितना जुड़ा हुआ है मैं सभी को हर पल हर दिन याद करते रहता हूँ। इतना अच्छा अच्छा फैमिली बहुत कम मिलता है। ये बागडोगरा एयरपोर्ट, मैं बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंच गया हूँ, इतना लंबा, अभी 11:30 हो गया तो 10 मिनट के लिए रास्ता में रुका था चाय पानी के लिए, लेकिन अभी करीबन 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11:30 बोलने से 7, 7.5 घंटा लगा। आप लोग भी गैंगटॉक अभी आ रहे हैं तो आप लोग थोड़ा जल्दी लेके निकल लीजिए क्योंकि टाइम देख के बहुत लंबा लग रहा है, 7, 7.5 घंटा लग रहा है, लेकिन आज रास्ता में कहीं जाम नहीं हुआ तो ये बड़ी बात है, सबसे अच्छा हो गया तो रास्ता में जाम नहीं मिला। तो खुले में तभी भी हम लोग को 10-15 मिनट रास्ता में रुकने के बाद कम से कम भी 7 से 7.5 घंटा लग गया। तो आप लोग आ रहे हैं तो थोड़ा समझ के थोड़ा जल्दी टाइम लेके आ जाइए। बस आज के लिए इतना ही, आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हस्त आज का लाइज ये दिन तब हेरू बस दिन धीरे धीरे धन्यवाद, थैंक यू सो मच।